नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी जाट, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के पिछले व्याख्यानों में हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में परिचर्चा की, उसके बाद मौलिक अधिकारों पर। आज इस व्याख्यान में हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर परिचर्चा करेंगे कि भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया और प्रसिद्ध विद्वान ऑस्टिन ने मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आशय है कि राज्य नीतियां व कानून बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखेगा। ये विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, एक तरह से अपेक्षाएं हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, न कि पुलिस राज्य का, जैसा कि औपनिवेशिक काल में था। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। दूसरी इनकी प्रमुख जो विशेषता है वो है कि निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर वाद योग्य है, अर्थात इनका हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि राज्य निदेशक तत्वों को अपनी नीतियों में स्थान नहीं देता या उन्हें लागू नहीं करता, तो उन्हें लागू करवाने के लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। तीसरी विशेषता है कि यद्यपि ये वाद्य योग नहीं है, तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण या परीक्षण में न्यायालय इन्हें देखता है। तो इस तरह से देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों की मुख्य रूप से तीन विशेषताओं पर हमने जिक्र किया। पहला कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की का निर्माण करते हैं, अर्थात इनका लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा, ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। और तीसरा कि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण या परीक्षण में न्यायालय इन्हें देखता है। देखिए, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का विवरण दिया गया है, उनमें हालांकि संविधान में इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, किंतु इनमें निहित विचारों के आधार पर विद्वानों ने इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा है। प्रथम है समाजवादी सिद्धांत, दूसरे गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांत। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, उन्हें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक तीन श्रेणियों में हम विभक्त कर सकते हैं। प्रथम, समाजवादी सिद्धांत। कुछ निर्देशक तत्व लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ये राज्य को निर्देश देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की स्थापना करना व आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं व अवसरों की असमानता को समाप्त करना।
अनुच्छेद 38 में इनका विस्तृत उल्लेख किया गया है। दूसरा, अनुच्छेद 39 के तहत नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, भौतिक संसाधनों का संवितरण, धन व उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण रोकना, महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तीसरा, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, काम पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार संरक्षित करता है। इसी तरह से पोषाहार व जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना आदि ऐसे प्रावधान हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनमें हम देखते हैं कि बहुत सारे काफ़ी सारे इन प्रावधानों को राज्य ने अपनी नीतियों के माध्यम से स्थान भी दिया है। जैसे हमने जिक्र किया कि पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। देखिए, पोषाहार के संदर्भ में आप देखते हैं कि विद्यालयों में बच्चों के पोषण के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रारंभ किया गया। इसी तरह से बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता के रूप में सरकारों के द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है। तो आज़ादी के बाद में सरकार ने इन प्रावधानों को अपने स्तर पर लागू करने का प्रयास किया है। दूसरी जो श्रेणी है नीति निर्देशक तत्वों की, वो है गांधीवादी सिद्धांत। कुछ निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं कि क्या क्या अपेक्षा करते हैं? नंबर एक, ग्राम पंचायतों का गठन कर स्वयं सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, अर्थात ग्रामीण स्तर पर सरकार का गठन हो और उनको पर्याप्त शक्ति दी जाए, ऐसा गांधी जी की अपेक्षा थी। दूसरा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। इसी तरह सहकारी समितियों का गठन और संचालन को बढ़ावा देना। अनुसूचित जाति, जनजाति व कमजोर वर्गों के शोषण से सुरक्षा। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक व नस्ल सुधार को प्रोत्साहन। और मादक पेय और पदार्थों पर प्रतिबंध। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं और इनको स्थान दिया गया। और तीसरी श्रेणी है उदार बौद्धिक सिद्धांत कि कुछ निर्देशक तत्व उदारवादी विचारधारा पर आधारित हैं और ये राज्य को निर्देश देते हैं कि नंबर एक, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करना। 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क वह अनिवार्य शिक्षा देना। कृषि व पशुपालन में वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग। पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा करना। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। कुछ ये ऐसे प्रावधान हैं जो उदारवादी विचारधारा पर आधारित हैं। तो इस तरह से हम देखा कि अनुच्छेद 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनको हमने तीन श्रेणियों में विभक्त किया है। पहली समाजवादी, दूसरी गांधीवादी और तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व। राज्य के स्तर पर इन निर्देशक तत्वों को लागू करने का निरंतर प्रयास किया गया है। आज का हमारा व्याख्यान अब यहीं तक सीमित है। अगले व्याख्यान में हम परिचर्चा करेंगे कि भाई नीति निर्देशक तत्व क्योंकि वाद्य योग नहीं है तो फिर इनका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। दूसरा, कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। और तीसरा, कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या टकराव है, अर्थात क्या एक दूसरे के ये विरोधी हैं अथवा पूरक हैं। इन बिंदुओं पर अगले व्याख्यान में
हम परिचर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।